हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर से अपनी क्लासेस रिज्यूम हो रही हैं। लूसेंट की, लूसेंट जीके, अपन इसमें रिवाइज करते हैं। तो पेज बाय पेज अपन देख रहे थे और बायोलॉजी जहां पे अपन ने खत्म करी थी वहां से अपन इसको अब दोबारा से रिज्यूम करेंगे। एंड फोकस अपना है इसका एचसीएस प्रिलिमिनरी, क्योंकि एचसीएस प्रिलिमिनरी में ही लूसेंट से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। एंड हाउ टू प्रोसीड, यू हैव टू टेक योर बुक एंड मार्क अलोंग विद द लेक्चर, और पेन या नोटबुक लेके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। एंड वी विल ट्राई टू लर्न जो भी फैक्ट्स हैं वो ट्रिक से, और योर पार्टिसिपेशन विल बी यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन व्हेन एवर आस्क एंड शेयर द ट्रिक्स इफ यू हैव एनी। एंड दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित एंड आई हैव क्वालिफाइड एचसीएस 2019 और आई हैव गिवन यूपीएससी इंटरव्यू 3 times। आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी ऐप को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप फॉर वेरियस कोर्सेज ऑन एचसीएस एंड यूपीएससी। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल यू कैन सब्सक्राइब डॉक्टर अमित अकेडमी। चलिए अब अपन आते हैं मुद्दे पे आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो कौन कौन जुड़ गए हैं? गुड इवनिंग शशि, केश, केशवी, राहुल, रवि, एवन, निशांत, मीनाक्षी, सुमन, सचिन, वर्षा, उपेंद्र, सरिका एंड माइकल जॉनसन। गुड इवनिंग वर्षा, आई एम फीलिंग गुड यार। आई होप ऑल एवरीवन इज फिट एंड फाइन एंड हेल्दी ऑल्सो। ठीक है, सो नाउ गुड इवनिंग हिना, गुड इवनिंग मिस्टर एडी, मनीषा, हेलो। तो आई होप एवरीवन इज गुड। काफी लंबे टाइम के बाद अपन लोग फिर से मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 महीना चला गया। इस 1 महीने में काफी लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, बहुत ही मतलब कोरोना की वजह से भी काफी लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। तो अभी टाइम है, अभी अपने को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करना है अपने आप को, और अब रेगुलर क्लासेस भी अपन कंटिन्यू रखेंगे धीरे धीरे, एक 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 क्लास करके। फिर धीरे धीरे 2-3 क्लास अपन रिविजन क्लासेस के साथ शुरू कर लेंगे। ठीक है, मनीषा, यशिका, तुषार, प्रवेश, राहुल एंड गौरव, गुड इवनिंग। हाँ राहुल, मेरे को भी कोविड हो गया था एंड नाउ अभी ठीक है, सिचुएशन ठीक है, गुड। तो स्टार्ट करें भाई, लेट अस स्टार्ट। कैलाश, गुड इवनिंग। जस्ट कमेंट यस इफ यू आर रेडी एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास। अनुराधा, गुड इवनिंग। पेज नंबर, साउंड प्रॉब्लम, इज एनीबडी एल्स इज फेसिंग साउंड प्रॉब्लम या फिर ठीक है? गुड इवनिंग अनुभा, राम 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 गोपाल, राहुल डेली याद करते थे, थैंक्स यार। चलो अब अपन डेली ही मिलेंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, साउंड ओके, सो वी आर स्टार्टिंग नाउ। अभी लेट अस अभी शुरू करते हैं अपनी क्लास की, और इसके बाद अपन धीरे धीरे क्लासेस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे, स्पेशली एचसीएस और यूपीएससी प्रिलिमिनरी को ध्यान में रखते हुए। अक्टूबर तक है तो अभी तो अपने पास 4 महीने यूपीएससी के हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2 महीने मिनिमम आपके एच सी एस के रहेंगे। ठीक है, ओके नाउ लेट अस स्टार्ट। देखो आज अपन देखेंगे एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू में अलग अलग पार्ट्स हैं। तो देखो इसमें मेजरली इनको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जो बाहर से है, जैसे मेरी स्किन है तो बाहर वाला जो टिश्यू है उसको अपन क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। उसके नीचे जो अपना जैसे ब्लड है, प्लाज्मा है, वेसल है, वो अपना क्या हो जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है अदिति, गुड इवनिंग। और फिर मसल्स हैं, उसके भी नीचे अपने मसल्स हैं जो मूव करती हैं। ठीक है, मूवमेंट में हेल्प कराती हैं। बोन्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू का ही एक पार्ट है। उसके अलावा अपने रहते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है कि भाई क्या क्या अपने पास टिश्यू है। तो पहला अपने पास आ रहा है एपिथेलियल टिश्यू। सो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी पे जो रहेगा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं,
एंड ये अपना जो नरिशमेंट है या फूड है वो कहाँ से लेता है, इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, एग्जाम्पल आपके स्किन, इंटेस्टाइन, ठीक है, ग्लैंड्स, हॉलो ऑर्गन्स, नेजल, जो अपन खाना खाते हैं तो ओरल कैविटी जो अपनी है या फिर नेजल कैविटी है, ये सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू के अपने एग्जाम्पल हैं। टॉनिक ड्यूनिंग, उसके बाद उसके नीचे, ठीक है, तो इसके नीचे रहेगा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट्स बाइंड डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन, मैकेनिकल सपोर्ट आपके देता है। तो जैसे पेट में अपना क्या होता है, पेट में अपना होता है फैट वगैरह, ठीक है, तो फैट है रिपेयरिंग के लिए काम में आता है। तो एडिपोज टिश्यू इसका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल है, बोन्स, ब्लड, लिगामेंट। तो देखो, मतलब ऐसा सवाल आने की संभावना रहती है कि कनेक्टिव टिश्यू इनमें से कौन सा है, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओड ओड वन आउट, आपको फाइंड आउट करने के लिए वो लोग बोल सकते हैं। ठीक है अमित, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रतिका, चलो ठीक है। तो अब ये हो गया एग्जाम्पल, देन लिगामेंट और टेंडन, ठीक है, लिगामेंट तो है बोन और बोन को जो कनेक्ट करता है, दो बोन्स को जो कनेक्ट कर रहा है वो है लिगामेंट, और एक मसल और एक बोन, इसको जो कनेक्ट करता है वो आपका रहता है टेंडन, ठीक है, मसल एंड बोन। तो सीधा सीधा सवाल ये भी आ सकता है, मसल एंड बोन को क्या कनेक्ट करता है, टेंडन, लिगामेंट एंड एनी अदर ऑप्शन भी हो दे सकते हैं, और बोन को क्या कनेक्ट करता है, तो इस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं मसल्स, देखिए मसल्स में मेजरली इनके पास रहते हैं तीन टाइप की अपनी मसल्स रहती हैं, ठीक है, तो अनस्ट्रिप्टेड, स्ट्रिप्टेड एंड कार्डियक मसल। देखो इसमें क्या है कि जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे जो अपनी कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स होती हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रिप्टेड हैं, जिनकी वॉलेंटरी काम करनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बाइसेप्स, ठीक है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, या जो भी मूवमेंट करनी है, अगर मैं हाथ की मूवमेंट करता हूँ तो वो उसमें जैसे शोल्डर की मसल्स अपनी काम आ रही है, ठीक है, तो ये जो मसल्स हैं ये आपकी हैं स्ट्रिप्टेड। स्ट्रिप्टेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें स्ट्रिप्स जैसी दिखती हैं, इनकी विजिबिलिटी अंदर से स्ट्रिप जैसी होती है, तो स्ट्रिप्टेड मसल। अनस्ट्रिप्टेड ये होती है अपनी सेकेंडरी, जैसे आपकी मान लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल, रेक्टम, यूरेटर, ब्लड वेसल, अंदर वाला जो अपनी मसल्स है, ठीक है, अंदर वाली जितनी भी मसल्स हैं वो अपनी रहती हैं अनस्ट्रिप्टेड। राकेश एंड हिमानी, नारा, वेरी गुड इवनिंग। सो अब ये हो गई, ठीक है, तो इसमें अपने को इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन इसको अलग अलग रखते हैं, स्ट्रिप्टेड जिसमें स्ट्रिप जैसी सी रहती है, ठीक है, और अनस्ट्रिप्टेड अपनी जो इससे अलग रहती है, ठीक है, ये सारे के सारे अपने हो जाते हैं। देन उसके बाद अपनी आती है कार्डियक मसल, ठीक है, तो देखो स्ट्रिप्टेड है वॉलेंटरी, सिर्फ आप चाहेंगे तभी काम करेगी, वैसे काम नहीं करेगी। अनस्ट्रिप्टेड हमेशा काम करती रहती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें से आपको एब्जॉर्प्शन करना है, मैंने कुछ खाया तो जो इसोफेगस में से आपका खाना जा रहा है तो वो जाएगा ही नीचे की तरफ, जाएगा ही जाएगा, ठीक है, तो वो अपना किस में आएगा, अनस्ट्रिप्टेड में। उसके बाद अपना जैसे कार्डियक है, कार्डियक भी रहेगा इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी क्यों, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो पंप करता रहता है, रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है थ्रू आउट योर लाइफ, और जैसे ही हार्ट रुकेगा तो भाई मतलब गड़बड़ हो जाएगी, और फिर मतलब उससे हो सकते हैं, ठीक ठीक है। रोमन एंड दीपक आरती, अ वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, तो ये अपना हो गए हैं सारे की सारी जो मसल्स थी उनके बारे में अपने देख लिया, जो जो आपको मार्क करके बताया जाए, ठीक है, वो आपको समझना है कि वो इंपॉर्टेंट है और वो पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। अब अपन मसल्स में देखें, एक तो आपको पता होना चाहिए कितनी मसल्स है, 650, ठीक है, के आसपास अपने पास मसल्स रहती हैं, 206 अपने पास बोन्स है, ये याद रखनी है, 306 के आसपास अपने पास एट द टाइम ऑफ बर्थ रहती हैं, फिर बाद में उनमें से कुछ बोन जो है वो आपकी ज्वाइन कर जाती हैं, और ज्वाइन करने की वजह से आपके पास क्या रहेगा, बोन की जो संख्या है वो यहाँ पे आपकी घट जाती है, 206 हो जाती है, ठीक है। पहली चीज तो ये कि भाई अपने पास कितनी मसल्स हैं, और ये अब अपना लार्जेस्ट लार्जेस्ट मसल रहती है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो आपकी हिप की जो मसल रहती है, तो ये भी आपका पूछा जा सकता है। पूनम गुड इवनिंग, ठीक है, अच्छा स्ट्रिप्टेड मसल एक बार और, ओके एवन, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, ये सवाल पूछा जा सकता है, जहां पे मैंने क्यू मार्क कर रखा है, मेनो गुड इवनिंग, तो जहां पे भी आपका क्यू मार्क रहे वो तो आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। देन स्मॉलेस्ट मसल, ये होती है स्टेपिडियस, जो अपना कान है, कान के अंदर रहती है छोटी सी, बिल्कुल छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट मसल, ठीक है, तो ये है स्टेपिडियस स्मॉलेस्ट मसल। फिर अपनी आती है स्ट्रॉन्गेस्ट, देखो कान के पास ही बिल्कुल, जैसे अपनी जॉ की जो मसल है जो अपने च्यूइंग में हेल्प करती है, आप कितना ही मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग, कंफ्यूजन हो सकता है तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
दीक्षा, गुड इवनिंग। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये मसल आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी है, ठीक है? और मसल्स में जो अपने कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन्स की ही वजह से जो आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन आपका चलता रहेगा, ठीक है? उसके बाद अपन अगर देखें तो यूरेटर, आयरिस ऑफ द आई, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, तो इनके अंदर जैसे यूरेटर क्या होता है, अपना पेशाब की जो नली होती है वो, आयरिस ऑफ द आई जो अंदर वाला रहता है, एंड एंड लंग्स है। कोरोना में काफी लोगों, मतलब कोरोना ने लंग्स में ही डायरेक्टली आपका इफेक्ट किया था, तो ये आपके हैं ब्रोंकाई, ठीक है? तो ये अपने ब्रोंकाई, ये स्मूथ मसल्स के बने हुए होते हैं, इनवॉलंटरी जहां पे भी काम आएगा वहां पे आपको ध्यान रखना है, स्मूथ मसल, अनस्ट्रिक्टेड मसल, स्मूथ मसल। इरेक्टर पिल्लाई, ये आपके हैं स्किन में। देखो इरेक्टर मतलब क्या होता है, इरेक्शन, खड़े हो जाते हैं एकदम, जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ये हेयर्स जो अपने होते हैं, तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि इरेक्टर पिल्लाई मसल कहाँ पे रहेगी, हेयर के नीचे रहती है, स्किन के अंदर, एकदम से ही कोल्ड और ऐसे फ्राइटन, डर की जो सिचुएशन होती है, तो उसमें एकदम से आपका इरेक्टर पिल्लाई एक्टिवेट हो जाती है और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है? गुड इवनिंग अवनीत एंड उषा, अशोक गुड इवनिंग। पूनम सर, क्लासेस हिंदी में नहीं हो सकती क्या? हाँ पूनम, एक्चुअली मेरा मीडियम भी इंग्लिश है, तो और हमने जो पुरानी वाली क्लासेस ली हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में ली हैं, तो अभी के लिए अपने लिए हिंदी मीडियम की जो क्लासेस हैं वो लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप ट्राई करो, जितना मैनेज हो सकता है उतना मैनेज करने की ट्राई करो, एटलीस्ट साथ में किया जा सकता है, ठीक है? देखो अब फोर्थ जो अपना इसमें एनिमल टिश्यू में एग्जाम्पल है अपना, वो है नर्वस टिश्यू, ठीक है? नर्वस टिश्यू में क्या आएंगे, नर्व सेल्स। तो नर्व सेल, न्यूरोन या फिर न्यूरोग्लिया इसमें आते हैं। बेसिकली इसका जो काम होता है वो क्या होता है, कंडक्शन का, जैसे रिफ्लेक्सेस अपने हैं, ठीक है? मेरे को टच हुआ, मतलब फिजिकली टच होता है, तो वो आपको कैसे पता चलता है, वो नर्व सेल के थ्रू पता चलता है, ठीक है? जैसे कभी वोमिटिंग की सेंसेशन आती है आपको पेट में, वो आपकी नर्व कंडक्ट करके लेके जाती है, उसके बाद आपको वोमिटिंग जैसी सेंसेशन फील होती है। तो कोई भी सेंसेशन, ठीक है, सेंसरी एंड द मोटर, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सेंसेशन एक तो आएगी ब्रेन में, आएगी स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, और वहां से फिर मोटर एक्टिविटी होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे होठ, अगर किसी जगह पे आप एकदम से टच करेंगे, ठीक है, तो आपने जैसे ही हाथ लगाया, हाथ लगाते ही आप उसको वापस लेके जाते हैं, तो उसके पीछे क्या होता है, सेंसेशन, पहले तो अपनी सेंसेशन आती है, ठीक है? और वो जो सेंसेशन है वो आपको लेके जाएगी कि दिस स्पेस इज हॉट, तो इससे बचाओ अपनी बॉडी को, तो उसकी वजह से अपन क्या करेंगे, हाथ को हटा लेंगे। हटाएंगे कैसे, मसल्स की एक्टिविटी की वजह से। जैसे मैंने एकदम से इसको हटाया तो शोल्डर, बाइसेप, सारे के सारे उन्होंने एक साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो जो है वो मोटर एक्टिविटी की वजह से अपनी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके इसको लेके जाते, तो ये सारा का सारा अपना इकट्ठा चलता है, ठीक है? नीतू गुड इवनिंग। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा ह्यूमन ब्लड। देखो ह्यूमन ब्लड में से काफी सवाल पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एचसीएस के हिसाब से भी, यूपीएससी के हिसाब से भी। फर्स्ट थिंग, जैसे अभी अपन ने ये जो चार टाइप पढ़े, पहला तो टाइप अपना क्या है इसका, कनेक्टिव टिश्यू, ये टाइप है, ठीक है? बॉडी का लगभग 7 से 8% होता है, 7, 8, 7, 4। पीएच वैल्यू जो आपकी इसकी रहती है वो 7.4, ठीक है? 5, 6, 7, 8, देखो 5, 6, 7, 8, 5 to 6 liters आपका ब्लड रहता है बॉडी में, ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है? सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड, तो 5 से 6, 5, 6, 7, ठीक है, 7, 8 और 7, 4, ठीक है? तो पीएच डायरेक्टली पूछी जा सकती है 7.4, एंड 5 to 6 liters ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। देन फीमेल्स की बॉडी जो होती है कंपेरेटिवली आपकी स्मॉल होती है, तो उसकी वजह से जो अपने को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 4 to 5 liter आपका ब्लड रहता है, ठीक है? गुड इवनिंग राहुल। तो ये आप दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 7.4, एक ये ट्रिक सी बना के ध्यान रखो, ठीक है? अब यहाँ पे अपने पास स्प्लीन, स्प्लीन देखो जैसे ये आपका है, यहाँ पे नीचे की तरफ लंग्स जो है मेरे, मतलब ये राइट हैंड आपको दिख रहा होगा, बट लेफ्ट हैंड में आपके लंग्स है, लंग्स के नीचे हार्ट है, हार्ट के जस्ट नीचे हमारा होता है स्प्लीन, जो कि आपका एज एन स्टोरेज ऑफ ब्लड काम करता है। अब देखो ब्लड के अंदर मेजरली मेजरली दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है? अब जैसे ब्लड है तो ये इसमें खून जो हमारा बह रहा होता है रेड, इसमें एक तो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड में से अगर कॉर्पस्कल्स, छोटे छोटे से आपके सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है? तो ये आपका रहता है। तो इसके बाद अपना जैसे इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलेंगे, ब्लड। तो ब्लड और
ब्लड कॉर्पस्कल्स। अब इनका जैसे प्लाज्मा है, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। 60% ब्लड इज जो है वो आपका प्लाज्मा है, 90% वाटर, इसमें 7% प्रोटीन और ये सब, ठीक है। इसके दो मेजर पार्ट्स हैं आपके, प्लाज्मा एंड सेकंड जो अपना है वो है ब्लड कॉर्पस्कल। तो प्लाज्मा का जो काम है ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आपने कुछ भी खाया है, डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन जो हमारी है जो लंग्स से हम लेके जाते हैं टू द वेरियस आपके पार्ट में, या हॉर्मोन्स है, ठीक है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, या फिर आपके पेनक्रियाज है, लीवर है, वहां से जो हमारे हॉर्मोन्स निकलते हैं उनको लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह पे, वो फंक्शन है प्लाज्मा का। फिर प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन मिलता है। फाइब्रिनोजन क्या है? फाइब्रिन, फाइब्रिन आपका एक प्रोटीन होता है जो आपको, जैसे मान लेते हैं कि भाई एकदम से अगर किसी को कोई कट हुआ, ठीक है, तो इंजरी हुई तो वहां पे आपकी बॉडी को हील करने के लिए जो आता है वो आता है फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिन, और वो उसको आके पैक कर देगा, और अपना यही काम रहता है इसका, ठीक है। ये हो गया। आरती सर, सोशियोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर दी आपने, इफ यस देन टाइम, इफ नो देन कब से स्टार्ट होंगी? आरती, कल आपको सोशियोलॉजी की क्लास की अपडेट मिल जाएगी। टेंटेटिव डेट इज 7th, जब से अपनी सोशियोलॉजी की क्लास स्टार्ट होंगी। एंड हुमा, वेरी गुड इवनिंग, एगरली वेटिंग, एंड थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल जो भी लोग ज्वाइन हैं। इट इज अ कंबाइन इनिशिएटिव, सब लोग साथ में मिलके पढ़ रहे हैं, दैट्स ऑल। जीवन ऐसे ही चलते हैं, सीखते रहो, सिखाते रहो, लर्न। जीके भाई, गोविंद जी, वेरी नमस्कार, एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। दीक्षा, गुड इवनिंग, एंड जश्मी, गुड इवनिंग, ठीक है। तो नाउ लेट अस रिज्यूम। अब देखो, प्लाज्मा अपन ने देख लिया, प्लाज्मा आपका हो गया है। उसके बाद अब अपनी आ रही है ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो इसमें जो मेजरली अपनी रहेंगी, ठीक है, तो उसमें ज्योति एंथ्रोपोलॉजी की क्लासेस के बारे में भी कल ही अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। निकिता, गुड इवनिंग, एंथ्रोपोलॉजी की क्लासेस भी हम दोबारा से अपडेट कर देंगे, ठीक है। गुड इवनिंग निशु, ओके नाउ अब अपन इसमें स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है। तो देखो, अब हमारे पास मेजरली यहां पे, शिक्षा लेट होगी, कोई नहीं, ठीक है। देखो, मेजरली अपने पास तीन ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स होती हैं। इनका एक एक काम आपको बताना चाहिए, ठीक है, जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट काम है वो आपको बताना चाहिए। रेड ब्लड सेल, नाम से पता चल रहा है, मतलब लाल होंगी, लाल होंगी तो किसकी वजह से होंगी? हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? आपका ऑक्सीजन कैरी करता है, और ऑक्सीजन की ही वजह से अपन इसको आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। फिर अपने आते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। व्हाइट वैसे तो पीस का सिंबल होता है, ठीक है, बट इसमें अपन किसको लेके चलते हैं कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है, ठीक है, वहां पे अपना इसका जो मेजर काम है वो है इन्फेक्शन से फाइट करना, ठीक है। एक एक काम अभी बता रहा हूँ, बाकी अपन देखेंगे। देन अपने पास आती है ब्लड प्लेटलेट्स। देखो, बहुत बार अपन, पूनम, गुड इवनिंग, कोई नहीं, ठीक है। तो अभी ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो अपन बार बार सुनते थे, जैसे डेंगी जो अपना होता है, जिसको अपन डेंगू बोलते हैं, तो डेंगू में आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। डेंगू में कभी भी आप मेजर जो सिम्टम्स देखेंगे वो होता है ब्लीडिंग। तो अब इसमें एक चीज समझना कि ब्लीडिंग का उल्टा क्या होगा? क्लॉट्स बनाना। तो प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉट्स बनाना और ब्लीडिंग को ना होते देना। तो ये तीन एक एक काम मैंने बता दिए हैं। उसके अलावा आरबीसी का आपको बताना चाहिए कि आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे नॉर्मली हम सेल में क्या देखते हैं, सेल में आपका न्यूक्लियस रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा और ये सब, ठीक है, ये नहीं होता है। देन ये बनती कहाँ है हमारी? ये बनती है रेड बोन मैरो में, ठीक है। डिस्ट्रक्शन आरबीसी का होता है लीवर एंड स्प्लीन में, क्योंकि कुछ टाइम बाद, जैसे इनकी जो आपकी एज है 20 डेज टू 120 डेज वेरी करती है, और इतने के बाद जब वो मर जाते हैं, ठीक है, तो कहाँ मरेंगे और कहाँ पे डिस्ट्रक्ट होंगे? लीवर और स्प्लीन में। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ये अपने देख लिया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच होकर आपकी ट्रांसफर करती है, ये आपको पता, ठीक है। नॉर्मल रेंज जो हमारे हीमोग्लोबिन की है, जैसे कहते हैं कि भाई कितना है, 15 है हीमोग्लोबिन,
17 है, तो 15 टू 17 आप ध्यान रखेंगे रेंज के हिसाब से। फंक्शन ऑक्सीजन का लेके जाना, जैसे ही इसकी कमी होती है हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हम बोलते हैं एनीमिया, यानी शरीर में खून की कमी। पेज नंबर 330 है दीक्षा। हाँ केशवी, आप पूछ रहे हैं कि कॉर्पस्कल्स एंड सेल्स आर सेम। परम गुड इवनिंग। देखो हाँ, सेल एक कॉमन टर्म है, ठीक है। कॉर्पस्कल्स इनकी शेप की वजह से बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा गोल 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 सी होती है, बायकॉनकेव शेप, तो इसलिए इनको कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, ठीक है। सोनिया गुड इवनिंग, अडियोस अमिगोस, ठीक है, ओके। ये अपना हो गया है एनीमिया, आपको ध्यान रखना है। एनीमिया पूछा जा सकता है किसकी कमी की वजह से, सो एफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इज एनीमिया, ठीक है। सेकंड अभी अपन देखते हैं डब्ल्यूबीसीज। देखो डब्ल्यूबीसीज मैंने क्या बताया था, इन्फेक्शन, तो ये भी आपके बोन मैरो में ही बनते हैं आरबीसी की तरह। लाइफ स्पैन 13 से 20 दिन, देखो ठीक है, 13 टू 20 डेज, और जो उसका था वो था 20 से 120 दिन, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यूक्लियस वहां पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये मेजर जो काम है उसका है डिजीज को फाइट करना, दैट्स इट, ठीक है। फिर हमारा आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट, यही होते हैं डब्ल्यूबीसी जैसे ही, मान के चलो बस अपने काम का इतना ही है, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट का एचसीएस में डीपर लेवल पर क्वेश्चन पूछते हैं, नो आरती, बहुत सुपरफिशियल जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपने अगर एनसीईआरटी कर रखी है 6 से लेकर 10th तक की, और आपने लूसेंट कर रखी है, तो आई थिंक यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। देन अभी अपन देख रहे हैं प्लेटलेट्स। देखो प्लेटलेट का एक ही काम ध्यान रखना है, ये हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। एक इनकी नॉर्मल रेंज ध्यान रख लेना कॉमन सेंस के लिए, क्योंकि बार बार प्लेटलेट्स किसी की भी होती है, तो आप भी देख सकते हैं, मतलब जो रिपोर्ट है जनरल सी जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, तो उसमें अपने पास ये रहेगा कि भाई 1.5 लाख से अपने पास 4.5 लाख के आसपास ये रहेंगे, ठीक है। सोनिया सर मेरे पास अभी मैसेज आया, ओके मे बी नेटवर्क इश्यू हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अगली बार अपन इसको और पहले भेज देंगे ताकि लेट होते होते भी जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। बाकी 8:30 से अभी रेगुलरली क्लास जाएंगे, तो आप यूट्यूब पर डायरेक्टली आ जाएं जो लोग कनेक्टेड हैं, सो रेगुलरली आ जाओ। अगर मैसेज नहीं भी पहुंचता है तो भी आप यूट्यूब पर आ जाओ, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब है कि भाई फंक्शन ऑफ ब्लड। देखो ब्लड के बहुत सारे फंक्शन है, पहला तो जैसे खाना वाना ही जो आपका पहुंचाता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, CO2, ये सब, और हमारा ग्लूकोज, ठीक है, तो ये हो गया। देन अपना टेम्परेचर जो है वो भी कंट्रोल करता है, होम्योस्टेसिस जिसको अपन बोलते हैं, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। आराध्या चौधरी, हेलो, आई एम योर न्यू लर्नर, वेलकम टू द फैमिली आराध्या, एंड आई होप यू स्टे कंटिन्यूड लर्निंग, और एग्जाम अच्छे से दें हम सब लोग मिलके। देखो अब इसमें पहली चीज तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी। क्लोटिंग, देखो प्लेटलेट्स का अभी अपन ने काम देखा था, तो हमें ध्यान रखना है कि क्लोटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया, अब उसके बाद अपना है ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये मैंने बताया ऑक्सीजन सी और डाइजेस्टेड या फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड भी आपके यहीं से ट्रांसपोर्ट होगा, एक्सक्रीशन जो हमारा है चाहे वो यूरिन के थ्रू होता है चाहे वो फीसिस के थ्रू होता है, कहीं ना कहीं ब्लड अपना रोल प्ले करता है मेजरली, ठीक है। तो जो भी सवाल है आपके अपन लास्ट में ले लेंगे, ठीक है। बीच में थोड़ा सा अपने लिए क्लास का रिदम जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, एवरी क्वेश्चन एक बार जैसे ही क्लास खत्म होगी ना, उसके बाद 5-1 मिनट तक, 2 से 5 मिनट तक अपन रुकते हैं, उसके बाद अपन जो भी आप लोगों के सवाल रहेंगे आई विल टेक दैट, जो भी कंफ्यूजन है उनको अपन दूर करेंगे, ठीक है। देखो ये हो गया, एंड ये आपका फिर अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स है उनमें कोऑर्डिनेशन भी एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये कनेक्ट रखता है उन सब, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड में अगर अपन देखेंगे, देखो यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल टर्म्स है, इतना डीपली अपने को जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखेंगे कि फाइब्रिन, ठीक है, क्लॉट्स बनाने के काम आता है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो उसमें अपने पास क्या रहेगा, तो फाइब्रिन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक विटामिन के भी है, ये भी कोएगुलेशन में अपना हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होते हैं, तो वो, और एक सीधा सीधा सवाल ये हो सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इंक्लूडेड इन द जो आपका ब्लड क्लॉटिंग है, ठीक है, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा विटामिन के। देखो एडेक, ADEK, हाँ WBC में न्यूक्लियस होता है, राहुल, ADEK, RBC में नहीं होता, एडेक। देखो एडेक में क्या है,
विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है, ये सारे के सारे आपके होते हैं फैट सोल्यूबल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये ऑड वन आउट में पूछी जा सकती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सोल्यूबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर जो आपके वाटर सोल्यूबल, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, दिस इज इट। अब उसके बाद अपन आते हैं इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक जो अपना है, ब्लड ग्रुपिंग। देखो सबको पता होता है मेरा ब्लड ग्रुप, तो सबके अपने अपने ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो इसमें देखो दो चीजें होती है, एक तो हम कमेंट करते हैं जैसे ए बी सी डी, ठीक है, तो उसमें आपको बताने होते हैं कि ये एक अपना होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, ए बी सी डी तो नहीं, ए और बी की टर्म, ए और बी, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इसको अपन बोलते हैं, जो हम मेजरली यहाँ पे अपने लिए फॉलो करते हैं। एक तो देखो फादर ऑफ द ब्लड ग्रुप पूछा जा सकता है लैंडस्टीन, ठीक है, पुराने जो भी, हाँ भूपेंद्र, WBC 5 टाइप्स नेम प्लीज, वो अपने किसी भी काम के नहीं है, वी डू नॉट नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, उनको छोड़ो, ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट ये सब चलता रहेगा, इनमें अपने को मतलब अंदर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लीव इट, ठीक है। अब देखो हाँ लैंडस्टीन आपको ध्यान रखना है, अब इसमें जैसे प्रोटीन होते हैं एंटीजन जो अपन बोलते हैं, जैसे आपने कोरोना के केस में भी बार बार सुना होगा कि कोरोना का एंटीजन, एंटीजन क्या होता है, जो उस पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म को या फिर जो भी आपका है उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास दो मेजर एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। अगर आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ एंटीजन ए प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ए। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, ठीक है, तो मेरे अंदर अगर मैं बात करूं तो एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक है, जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनमें एंटीजन बी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, अगर दोनों हैं तो ए बी, और अगर कोई भी नहीं है तो हम लिखेंगे ओ। ये तो हो गया है एक जनरल चीज जो ए बी ओ, ए बी अपन ध्यान में रखेंगे। देन अपना इसमें अपने पास आता है जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसी के उल्टी एंटीबॉडी आपकी प्रेजेंट होती है, क्यों, क्योंकि वो उसको काउंटर करती है, तो ए वाले में बी प्रेजेंट होगी, बी वाले में ए प्रेजेंट होगा, एंड ए और बी है तो दोनों ही एबसेंट रहेंगे, और ये दोनों एबसेंट है तो ये अपने दोनों ही प्रेजेंट रहे, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद अपना क्या आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, अब मान लेते हैं ब्लड ग्रुप्स, चलो ठीक है, माइकल जॉनसन थैंक यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ भूपेंद्र, कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, कॉमनसेलिज्म, ठीक है, कॉमनसेलिज्म तो आपको पता है, आप लोगों के लिए सवाल है कि व्हाट इज एलीलोपैथी, बहुत ही मुश्किल सवाल है, 9 out of 10 हार्डनेस लेवल, ठीक है, एलीलोपैथी क्या होती है, जस्ट कमेंटेड, अभी इंटरेक्शंस देख रहे थे तो इस हिसाब से देखो, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी अपन करते हैं, देखो ग्रुप ए और बी जो होता है वो है यूनिवर्सल रिसेप्टर और ओ होता है यूनिवर्सल डोनर। डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल डोनर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रिसेप्टर, तो ये चीज आपको समझनी है कि भाई ओ, क्योंकि ओ में आपके दोनों के दोनों ये रहते हैं, तो ओ में कोई सा भी ब्लड हम डोनेट करवा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है, और इसमें दोनों एंटीजन होते हैं तो ये किसी का भी ले सकता है, ए भी ले लेगा, बी भी ले लेगा, ठीक है। डोंट नो सर, इच्छा बाकियों ने तो कमेंट भी नहीं किया, पता है नहीं पता है, एटलीस्ट कमेंट करो भाई, ओ एलीलोपैथी इज द बायोलॉजिकल फिनोमेना प्रोड्यूसेस वन ऑफ मोर बायोकेमिकल्स एंड सर्वाइवल, यस नितिन बिल्कुल सही, एंड रुमन, रुमन भरवाल बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो एलीलोपैथी क्या होता है कि हाँ मोस्टली इट इज हार्मफुल, कि इन्होंने कुछ भी एक प्लांट है, प्लांट की उससे केमिकल्स निकल रहे हैं और वो उसके आसपास जो उगे हुए प्लांट्स हैं या और कोई भी है तो वहां पे अपना क्या हो जाते हैं, ये उसको इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, तो जिन जिन को नहीं पता है दे नीड टू रिवाइज, बाकी सवाल बहुत ही मुश्किल था, यूपीएससी मेंस में ये सवाल आया था, यूपीएससी मेंस, ठीक है, 2017 आई थिंक 2017 या 18 में, एंड नो वन वॉज एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन की एलीलोपैथी और उसके क्या पॉजिटिव यूजेस हो सकते हैं इन कंट्रोलिंग द वीड्स और वो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कमर्शियल अपना
ठीक है ओके देखो अब होता है नेक्स्ट आ रहा है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या है? आर एच इज रीसस मंकी। ये सबसे पहले एक मंकी में डिस्कवर किया गया था जो रीसस मंकी है, और उसी के उस पे इसका नाम रखा गया था कि भाई अपना ये आर एच फैक्टर है, आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब जिसमें ये प्रेजेंट होता है दैट इज आर एच पॉजिटिव, और जिसमें ये एबसेंट होता है दैट इज आर एच नेगेटिव। ठीक है इसका एग्जाम्पल ढूंढ के बताओ भाई। ठीक है गूगल पे कोई भी सर्च करके इसका एग्जाम्पल कमेंट करें प्लीज। पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड क्यों होता है सर? दीपक कुछ नहीं है, जैसे आर एच फैक्टर जिसमें प्रेजेंट होता है, जैसे एंटीजन ही है ये, एक बेसिकली एक एंटीजन है, अलग टाइप का एंटीजन है। ए और बी के अलावा थर्ड टाइप ऑफ एंटीजन हमने डिस्कवर किया तो वो था आपका आर एच एंटीजन। ये आर एच मंकी में पाया जाता था और हम मंकी से अपना काफी सिमिलैरिटी सी रहती है, तो उसी को अपन ने जब ह्यूमंस में पाया गया तो अपन ने इसको बोला पॉजिटिव आर एच पॉजिटिव। ठीक है ये अपना उस हिसाब से है, और जिनमें नहीं पाया जाता तो उसमें अपन बोलते रहते हैं कि भाई ये नेगेटिव है, यानी इसमें आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता, इसीलिए बोलते हैं पॉजिटिव जिसमें आर एच एंटीजन मिलेगा, नेगेटिव मतलब जिसमें आर एच एंटीजन नहीं मिलेगा। ठीक है ये हो गया। देन इसमें एक चीज होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। देखो फादर का ब्लड ग्रुप है आर एच पॉजिटिव, मदर का ब्लड ग्रुप है आर एच नेगेटिव। कभी भी अगर ये ब्लड ग्रुप होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव मदर और फादर में, तो ये होता है डोमिनेटिंग, पॉजिटिव होता है डोमिनेटिंग। तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही आए। ठीक है तो अगर एक जगह पॉजिटिव है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तभी आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव आता है बच्चे का, नहीं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो आपका ब्लड ग्रुप बच्चे में क्या आएगा, पॉजिटिव ही आता है। बट इसमें दो एलील होते हैं तो वहां पे नेगेटिव भी आ सकता है, ये चीज भी ध्यान रखो। ठीक है तो आर एच पॉजिटिव मदर इज आर एच नेगेटिव, एंड द टीचर बो जो सॉरी चाइल्ड है वो बॉर्न हो गया और वो मान लो पॉजिटिव था, तो उसमें क्या थे बेसिकली पॉजिटिव में आपके वो आते हैं क्या एंटीजन थे। ठीक है वो एंटीजन जब डिलीवरी हो रही होती है वो एक्सपोज होते हैं ब्लड से, तो उसकी वजह से क्या होता है मदर के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है। ठीक है एंटीबॉडीज आपकी बन जाती हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में, अब वही एंटीबॉडीज आपकी मदर की बॉडी में हमेशा रहती हैं सेकंड जब प्रेगनेंसी होती है, तो पहले चाइल्ड को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता, बट सेकंड चाइल्ड जो हमारा इसमें रहता है तो उसके केस में आपको क्या रहेगा कि जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस इसको बोलते हैं, क्योंकि बच्चे में क्या होता है कि वो चीज अटैक कर देती है। ठीक है एंटीजन अटैक कर देगा और मतलब उसमें पानी भर जाता है बच्चा। ठीक है बेसिकली बात यह है पानी भरने की वजह से वो बच्चा उसकी डेथ हो जाती अंदर ही। ठीक है ये आपका हो गया, एंड ये हो गया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ये हमारे सारे के सारे फिर अपने ब्लड ग्रुप है, जैसे ये इन्होंने दे रखा है इसमें कि भाई फादर का क्या है मदर का क्या है तो चाइल्ड का क्या है, ये अपने उतने काम का नहीं है, ऐसा सवाल कहीं नहीं पूछा जाता। ठीक है फिर अपना आता है हीमोलिम। देखो हीमो ब्लड रहता है, लिम्फ इज अबाउट जो भी बॉडी फ्लूइड आपका। ठीक है हम इसमें अर्थ्रापोडा जो आपके रहते हैं कॉकरोच, देखो एक ये सवाल आया था यूपीएससी में कि भाई अर्थ्रापोडा ठीक है इनकी कैटेगरी के, जैसे इन्होंने तीन चार ऑप्शंस दे दिए कि भाई आप कौन सा इनमें से इस पर्टिकुलरली फाइलम को बिलोंग नहीं करता है, तो वैसे ध्यान। ठीक है एग्जाम्पल ऑफ एलेलोपैथी यूकेलिप्टस, यस ठीक है। एंड अमित इतना याद कैसे रखेंगे, देखो पढ़ने पढ़ रहे अपन, जो जो आपको मार्क मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूँ एटलीस्ट उनको ध्यान में रखो। ठीक है और बार बार रिविजन ही एक चीज होती है जिसकी वजह से आप इस चीज को याद कर सकते हैं। ठीक है रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। ठीक है सिंह भाई ये खुद ही पढ़ लो इससे फास्ट, हाँ बिल्कुल दैट डिपेंड्स, अगर आप फास्ट पढ़ सकते हैं तो आपको खुद ही पढ़ना चाहिए। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइसेस, एवरीवन हैज चॉइसेस। इनकी हिंदी मीडियम के नोट्स अभी फुल अवेलेबल नहीं है तो वो अभी नहीं मिल पाएंगे, सॉरी फॉर दैट। देखो नेक्स्ट अब अपना आ रहा है टॉपिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक
अभी इन्होंने बहुत सारे सिस्टम्स अभी अपन डिस्कस करेंगे। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन मतलब भोजन जो आप खाते हो उसका पचना। तो इसके पांच जो मेजर प्रोसेस रहते हैं, इंजेशन, इंजेशन मतलब भोजन अंदर गया, ठीक है। सेकंड डाइजेशन, डाइजेशन मतलब उसको आप छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स जो फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड को हम छोटे 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 उसमें करते हैं। तो अंजू गुड इवनिंग, तो उसको अपन बोलते हैं डाइजेशन। देन अब ये जो फूड है ये आपका एब्जॉर्ब होता है यानी अंदर जाता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। उसके बाद प्रोसेस आता है एसिमिलेशन, मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद यूज, यूज में जो आता है, यूजेस जो रहता है उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एंड जो वेस्ट आपका हो जाता है वो हो जाता है डिफिकेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंजेशन पहला प्रोसेस जो है वो कहाँ से होगा, ऑब्वियसली आप कहाँ से खाते हैं, माउथ से खाते हैं, तो माउथ में अपना इंजेशन हो जाता है। एंड डाइजेशन अपना है वो शुरू होता है माउथ से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो माउथ से आपका शुरू होके पूरी की पूरी इंटेस्टाइन में अपना चलता रहता है अलग अलग जगह पे, ठीक है। अब माउथ में अगर अपन देखेंगे तो एक जो आपका बच्चा जैसे सलाइवा हमारा जो बनता है, सलाइवा ध्यान रखना है कि सलाइवा में मिलता है टाइलिन, ठीक है। ये सवाल आ सकता है कि टाइलिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सलाइवा अमाइलेज, क्योंकि ये आपके जो कार्बोहाइड्रेट हम बोल सकते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक सिंपल स्टार्च इनटू सिंपल शुगर में ये ब्रेक डाउन करता है, तो ये आपका हो जाता है अमाइलेज, ठीक है, फर्स्ट अमाइलेज। और लगभग एक दिन में हम 1.5 लीटर के आसपास सिक्रेट करते हैं। इसकी पीएच एसिडिक रहती है लगभग 6.8 to 7.3, वैसे देखो एसिड भी है बेस भी है, तो ये आपका रहेगा, ठीक है। क्या कोई यहाँ पे डाइजेशन शुरू होता है, नो। और एक टर्म आती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, ऐसे ऐसे जो हम मूव करते हैं उसको अपन बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो वो आपका जैसे ही खाना अंदर जाता है तो हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शुरू हो जाती है। ग्रेविटी का कोई भी रोल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में नहीं रहता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने पहले भी बताया कि अगर किसी आदमी को उल्टा भी लिटा दिया जाए और वो खाना खा रहा हो तो खाना उसका स्टमक में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टमक। अब तक मिल सकते हैं 1 महीना के आसपास और लगेगा। विच वायरसेस इन डीएनए एंड आरएनए बोथ, देखो वायरसेस में मोस्टली आपका पाया जाता है डीएनए, बट सॉरी आरएनए, बट डीएनए भी मिल सकता है, ठीक है। डीएनए आरएनए मेजरली वायरस में। अब इसमें अपन देखते हैं जैसे ये हो गया, अब आता है स्टमक। स्टमक में अपने लगभग लगभग वैसे तो 1.5 से 2 घंटे के अंतराल में जो आपका फूड है वो स्टमक में रहता है, 4 घंटे हम मार के चलते हैं। स्टमक का जो पीएच है वो रहता है आपका एसिडिक पीएच, ठीक है, 1.5 to 3.5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो पीएच है उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, कोई नहीं पारुल आप बाद में देख लेना, इट्स फाइन। हाँ देखो ये हो गया पीएच, पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस 1.5 to 3.5। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपका क्या करता है, बैक्टीरियाज को यहाँ पे मार देगा। और यहाँ पे पेप्सिन और रेनिन ये आपके डाइजेस्टिव जूस में मिलते हैं, जो प्रोटीन्स को, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन्स। पेप्सिन आपका क्या करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे हिस्सों, ठीक है। अब स्टमक से नीचे जाते ही, ठीक है, ये अपने को पता है, स्टमक से नीचे जाते ही यहाँ पे आपकी इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। सबसे पहले अपनी रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद हमारी रहती है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, डीजीआई यानी ड्यूडेनम जुजनम इलियम, ठीक है। और जैसे यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, फर्स्ट एंजाइम जो है वो एमाइलेज, जो हमारा बकल कैविटी खाते ही के साथ जो आपका शुरू हो जाता है वो हो जाता है फर्स्ट एंजाइम, ठीक है। अब देखो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में जैसे अपना लीवर होता है, लीवर के नीचे होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है, लीवर से बाइल बनता है, गॉल ब्लैडर में आता है और ये फिर यहाँ से आपका सिक्रेट होके आता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में बाइल का एक ही मेजर, जो सबसे मेजर काम रहता है, फैट से रिलेटेड याद रखते हैं, बाइल का काम है फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे, दैट्स इट, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे अलग अलग देखो नाम है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। तो ये बेसिकली देखो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स को तोड़ता है, अमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, और एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लिपिड्स, ये लिपिड्स को तोड़ता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ड्यूडेनम में तीनों के तीनों यानी क्लैप जो अपना है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है, इसी सीक्वेंस में ये टूटते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, फिर लिपिड टूटेगा, देन आपका प्रोटीन टूटेगा। अंकित गुड इवनिंग, कोई नहीं यार, ठीक है, कल से टाइम से ज्वाइन करने की कोशिश करना। TLP, तो ये अपने हो गए, तो इस वजह से ये हो गया, ठीक है, ड्यूडेनम। फिर अपना आता है जेजुनम।
जेजुनम में भी बहुत सारे आपके एंजाइम मिलते हैं, ये अपने को ध्यान नहीं रखने, इप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, ठीक है। देखो जिसका जो नाम है वो उसी को तोड़ता है, माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज में, सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ता है ग्लूकोज में, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज में, दैट्स इट, ठीक है। लाइपेज तो लिपिड, तो उससे अपन ध्यान रखें। हीलियम, ठीक है, डेडोनम, जोजोनम, हीलियम, सबसे लास्ट में। यहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन भी होता है फूड का, फूड आप एब्जॉर्ब भी करते हैं, एंड एसिमिलेशन, यहाँ से यूजेस भी शुरू हो जाता है। यूजेस कैसे, फूड एब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू, ठीक है, बॉडी के वेरियस पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। एंड अपना आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें आपका क्या रहता है, डिफिकेशन। डिफिकेशन मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आपका बन जाता है वो एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है, तो ये अपना हो गया डिफिकेशन। अब यहाँ पे देखो नोट, एंजाइम्स को अपन बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। बायो इज बायोलॉजी मतलब लिविंग, और कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो किसी भी रिएक्शन को आपका इंक्रीज करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट। फिर एक अपनी चीज होती है सीकम, ठीक है, अपेंडिक्स जो आपकी रहती है, ठीक है, ईलियम सीकम। तो यहाँ पे अपेंडिक्स जहां पे रहता है वहीं पे, ठीक है, द पाउच कनेक्टेड टू द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड द लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट होते हैं, वहां पे बनती है सीकम, सीकम के पास आपकी अपेंडिक्स, ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है, स्मॉलर इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्जर इंटेस्टाइन। नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है बट स्मॉल, अच्छा अब ये चीज तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज है बट इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड स्मॉल, अगर ये लार्ज है तो स्मॉल क्यों कहलाती है, ठीक है, प्लीज कमेंट। गुड इवनिंग सुमन, अंकित, वेरी गुड। देखो अब समरी ऑफ डाइजेशन बता रखी है, इसमें ये, इसमें ये, इसका क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन देखते हैं द मेन ऑर्गन पार्टिसिपेटिंग इन द डाइजेशन। देखो जहां जहां पे अपन पढ़ रहे हैं तो पढ़ते टाइम अपन एक बार सारी चीजें ही देख लेंगे, बिकॉज ऑफ लेंथ नहीं, डायमीटर की वजह से। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर बड़ा होता है। लेंथ तो हमने देख ही लिया, लेंथ तो स्मॉल की ज्यादा है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। देखो सीधा सीधा सवाल ये आ सकता है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये होता है अपना लीवर। देखो ग्लैंड क्या होती है, ग्लैंड एक ऐसी चीज होती है जो कुछ सिक्रेट करती है, ठीक है, मतलब कुछ भी लिक्विड सिक्रेट करेगी अपने अंदर से, तो वो होती है ग्लैंड। लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है मेटाबॉलिज्म में, जो भी आपने खाया पिया है उसको मेटाबोलाइज करना, यूज करने के लायक बनाना, एंड अगर हमने कुछ भी टॉक्सिक ले लिया है तो उसको डिटॉक्सिफाई करना। तो डिटॉक्सिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और मान लो कार्बोहाइड्रेट खाए हैं तो कार्बोहाइड्रेट को भी यूजेस में हेल्प करेगा, लिपिड को बेसिकली, ये लिपिड्स को भी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करवा देता है, प्रोटीन्स को भी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करा देता है, ठीक है, ये अपने हो गए। देन इसमें लीवर जो है वो आपका बाइल सीक्रेट करता है, बाइल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जो काम है वो है फैट का, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है बाइल और इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, ठीक है, पहली चीज ये। फिर यूरिया जो आपका बनता है जो किडनी के थ्रू हमारा जाता है, वो हमारा कहाँ पे बनता है, लीवर के अंदर, ठीक है। देन अगर इसमें जैसे जो मैंने मार्क कर रखा है कि प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा लीवर, कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में कन्वर्ट करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में जो हमने देखा था, ठीक है, फाइब्रिनोजन या फिर हेपरिन, ठीक है, जैसे कोरोना में ब्लड क्लॉटिंग का बहुत इश्यू हो रहा था, वहां पे हेपरिन दिया जाता है, एनोक्सापेरिन, हेपरिन, ठीक है, हेपरिन आपका दिया जाता है कि भाई आपको ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज ना रहे, ठीक है। तो ये भी कहाँ आपका बनता है, ये भी सारा का सारा लीवर में ही बनता है। डेड आरबीसीज कहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है, लीवर में। बॉडी का टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, लीवर। ठीक है, देन अपना इसके बाद आता है गॉल ब्लैडर। देखो लीवर है, लीवर ये है, इसके नीचे जस्ट होता है यहाँ पे गॉल ब्लैडर, यहां से बाइल आता है, बाइल की स्टोरेज का काम होता है बस, बाइल को ये यहाँ पे फिर फूड में मिला देगा, फूड्स को डाइजेशन में हेल्प करेगा,
आरबीसी डिस्ट्रॉय एंड स्प्लीन, यस स्प्लीन आपका मेजर है जहां पे आरबीसीज डिस्ट्रॉयड होती हैं, लीवर आरबीसीज यहाँ पे, ठीक है। वो बेसिकली हीमोग्लोबिन, आरबीसी से हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन का जो वो है। सर इफ यू यूज माइक द वॉइस विल बी मच लाउड एंड क्लियर। एक्चुअली पहले हम मास्टर द एनसीईआरटी, पहले हम माइक यूज करते थे। मुझे मतलब हम तो काफी टाइम से विदाउट माइक आई एम यूजिंग विद लैपटॉप, और मेरे हिसाब से उतनी आवाज की प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। आई थिंक इट इज क्वाइट ओके, क्योंकि मैं भी अभी जैसे मैंने चेक किया तो इसमें भी आपकी आवाज हो सकता है थोड़ा सा मूवमेंट की वजह से कभी कभी ऊपर नीचे थोड़ी सी आवाज आती है। माइक से बेटर आवाज आ रही है बस, क्योंकि माइक में भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो माइक उतना काम नहीं करता, पता नहीं क्यों, मे बी बिकॉज ऑफ द लैपटॉप, बट आई थिंक इट इज मैनेजेबल, इट इज ऑडिबल ऑल्सो। ठीक है, बाकी देखेंगे अगर ज्यादा ही है तो। ठीक है, अब अपन देखते हैं, जैसे अपना बाइल है, तो बाइल का एक तो आपको याद रखना है येलोइश ग्रीन, ठीक है। येलोइश ग्रीन कलर का अपना होता है एल्कलाइन ही होता है, दैट्स ठीक है। और एल्कलाइन क्यों होता है, एल्कलाइन मतलब देखो जैसे स्टमक है, स्टमक में अपना क्या है कि फूड एसिडिक है। अब एसिडिक फूड यहां से आया, अब अगर जैसे ही आपका ड्यूडेनम जेजुनम में ये आता है, तो यहाँ पे जो आपके एंजाइम्स जो हमने देखे थे, ठीक है चलो ओके क्लियर है सर, स्पीड जरा हो रही है, थोड़ी कम कर लो। ओके आदिति, स्पीड थोड़ी सी अपन कंट्रोल करेंगे, बाकी वॉइस इज ऑडिबल, चलो ठीक। तो ये अपना हो गया है, देन अब इसमें देखो यही जो बाइल है, एक तो इसको एल्कलाइन बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एंजाइम्स जो हमारे पेनक्रियास से अपने आते हैं, ठीक है, वो एल्कलाइन मीडियम में ही काम करते हैं, एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते हैं। तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया उनको मारने के काम आता है। फैट, फैट ध्यान रखोगे, पूछा जाएगा तो फैट ही ऑप्शन में मिलेगा, और विटामिन के वगैरह है इनके भी एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, तो इनके भी एब्जॉर्प्शन में वो आपको हेल्प करेगा। ओके वॉइस, चलो कोई नहीं, मैं इसको कल दोबारा से चेक करके इसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज करके वॉइस को थोड़ा सा और लाउड अपन कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैनेज कर लेते हैं आज की क्लास में। ठीक है, ये हो गया, फिर अपना नेक्स्ट आ रहा है, देखो जॉन्डिस, कभी कभी क्या होता है कि बाइल बाइल अपना जो है वो इसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है, बट अगर बाइल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है, तो लीवर सेल स्टॉप्स टेकिंग बिलिरुबिन फ्रॉम द ब्लड, और ये उसको कन्वर्ट करते हैं बिलिरुबिन को, और वो नहीं हो पाता, और उसकी वजह से पीलिया, जिसको अपन बोलते हैं जॉन्डिस, ठीक है, पीलिया हो जाता है। बाइल में ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाता है तो वो ध्यान रखना, अगर तो इसी वजह से जैसे स्टोन्स हो जाते हैं कई लोगों, ठीक है, तो बाइल में जो स्टोन होते हैं उसकी वजह से पीलिया हो जाता है, और उसका इलाज क्या होता है, फिर अपन ऑपरेट करते हैं इसको, ठीक है, ऑपरेट करके बाहर निकाला जाता है, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है पेनक्रियास, तो इसमें जो अपनी बड़ी बड़ी ग्लैंड हैं, तो पहली तो अपनी क्या आई है, लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड। चलिए आपके लिए सवाल है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये सवाल पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बाइल, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, यस माइकल बिल्कुल सही। पूनम, एचपीएससी के लिए एनसीईआरटी बुक इंपॉर्टेंट है क्या सर, टाइम कम है? देखो एनसीईआरटी अगर करनी है तो दो एनसीईआरटीज करनी पड़ेंगी जरूर जरूर, एक तो साइंस की, ठीक है, साइंस की एनसीईआरटी 6 से 10 तक की कर लो, देन ज्योग्राफी की जो फिजिकल की एनसीईआरटी है 11th क्लास की, ठीक है, दो एनसीईआरटीज हैं उनको आपको करना, ठीक है, और बाकी आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्किन, यस स्किन इज द राइट आंसर, विकास इंटेस्टाइन गलत हो गया भाई, स्किन इज द राइट आंसर, ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। अब देखो, अब हम आ रहे हैं पेनक्रियास पे, पेनक्रियास में अपने अलग अलग यहाँ से रिलीज करे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टेटिन। देखो इंसुलिन तो अपने यहाँ पे बार बार आता है, ठीक है,
माइकल वेरी हार्ड टू मेमोराइज एनसीईआरटी। देखो उसमें सिर्फ जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ उतना ही ध्यान रख लो, उतना मोर देन सफिशियंट है। उतना भी अगर अपन करेंगे तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी डिफिकल्ट तो है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, बट अगर HCS जैसे एग्जाम के लिए आप लोग फाइट कर रहे हैं तो ये मुश्किलें, ये सी चीजें ना, ये नहीं सोचना होता कि सर ये है वो है। तो मेमोराइज करना है, रटना है, क्यों? क्योंकि एग्जाम की डिमांड है, ठीक है। बिना रटे भी काम नहीं चलेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। ये हो गया। अब अपन देखते हैं इसमें, जैसे देखो अल्फा सेल्स बीटा सेल्स, बस इतना ध्यान रख लेना कि इंसुलिन जो है वो सीक्रेट होता है बीटा सेल्स, ठीक है। सवाल अगर पूछा जा सकता है इसमें अगर थोड़ा सा भी, वो रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सीक्रेट्स इंसुलिन, अल्फा बीटा डेल्टा ऑफ पेनक्रियाज। तो ऑप्शन में हमेशा बीटा मार्क करना है, क्योंकि इंसुलिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। एंड आपको इसका काम ध्यान रखना है कि इंसुलिन जो है वो आपका क्या करेगा, मेकिंग द ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। तो हमारा ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज कर देता है, और जैसे ही आप में इंसुलिन कम होता है तो हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसको ही अपन क्या कहते हैं, डायबिटीज, ठीक है। यही अपना डायबिटीज कहलाता है। इसका जस्ट उल्टा, इंसुलिन का जस्ट उल्टा करता है ग्लूकागोन और सोमेटोस्टैटिन। स्टैटिन क्या होता है, टू स्टॉप। सोमेटोस्टैटिन का काम क्या होता है, टू रोकना। तो बेसिकली जब भी इनकी हार्मोनल एक्टिविटी बढ़ जाती है तो ये इनहिबिटरी हार्मोन है, ये इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों के लेवल को डिक्रीज करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आ रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी अपन ने देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, फोकस तो पटवारी पर है सर, कोई नहीं माइकल, धीरे धीरे फोकस बढ़ाना है। पटवारी और HCS ज्यादा फर्क है नहीं वैसे एग्जाम्स में ना, बस वो जो मेंस वाला पोर्शन है वो इजी पड़ेगा। HCS का मेंस इजी पड़ता है, ठीक है। पटवारी के एग्जाम भी उतना ही डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा हो रहेगा। एग्जाम मेरे हिसाब से मान के चलो कि जुलाई एंड अगस्त ये दोनों रह सकते हैं, ठीक है। देखो अब अपन देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन मतलब बेसिकली तो ये अपना ब्लड से रिलेटेड। देखो इसमें जो चार मेन चीजें आपकी रहेंगी, एक तो हार्ट, ठीक है। विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर किया था, ये भी ध्यान रखना, 1628, ठीक है। या आज के टाइम पे अगर मान लो हमने पढ़ा नहीं होता, ठीक है, तो क्या आप सोच सकते हो कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर कर सकते थे? कोई भी, मतलब हम इन सेंस की, मतलब आज की जनरेशन या फिर हम लोगों में से कोई क्या इतना एप्टीट्यूड होता, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ये चार चीजें ध्यान रखनी है। देखो हार्ट, एक चीज हमेशा याद रखो हार्ट। अब एक चीज तो होगी जो ब्लड वेसल है, ठीक है, और उसमें बहता हुआ खून, ठीक है। ये हो गया खून, ब्लड वेसल एक तो हार्ट से बाहर जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं आर्टरी, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। आर्टरी इज ऑलवेज अवे। सर वॉइस कम आ रही है। यार ये इतनी कम आज, चलो इसको कल थोड़ा सा और कॉल करेंगे इशू को, हम काफी लोगों को कम आ रही है, ठीक है। देखो अब हमारा यहाँ पे क्या है, देखो पहली चीज तो हो सकता है आप जो दूसरे हैं उनके मे बी मोबाइल में कान में लीड लगा रखी होगी या फिर वैसे सुन रहे होंगे, तो कई बार वैसे भी वॉइस का इश्यू हो जाता है, ठीक है। बट लेट इट बी, हाँ नाउ स्टार्ट। देखो एक चीज ध्यान रखनी है, हार्ट ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड हम बोलते हैं, क्योंकि देखो हार्ट से खून जो है वो हमेशा जाएगा अलग अलग ऑर्गन्स में। ऑर्गन्स को क्या करना है, ऑक्सीजन को यूज करना है, तो उनमें कौन सा खून जाएगा, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जाएगा। पर अब अपन इसको देखें, हमारे पास एक चीज आती है कि ये ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड आपका आता है लंग्स से, लंग्स में आपका ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होती है, तो वहां से अपना ये आता है, ठीक है, ये आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो पल्मोनरी आर्टरी होती है एक, ये कॉमन सेंस के लिए ध्यान रखना, सारे की सारी अपनी जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड
लेके जाती हैं, बट एक पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से लंग्स में जाएगी, तो उसमें ऑब्वियसली क्योंकि लंग्स से आपका जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होके आता है, ऑक्सीजनेट होके आती है, तो मतलब इसमें ऑक्सीजन उतनी नहीं होगी, यानी ये होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको अपन ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बट रेड से अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वो आपका यहाँ से अंदर आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। देन अपना आएगा इसमें वॉल्स होते हैं, जैसे ये हार्ट है, हार्ट के चैम्बर्स हैं, ठीक है, तो ये लेफ्ट चैम्बर है, ये राइट चैम्बर है, ऊपर अपने होता है एट्रियम, नीचे होता है वेंट्रिकल, और यहाँ पे होते हैं वॉल्स, फिर यहाँ पे aorta निकलती है और वेसल्स निकलती है अपनी पल्मोनरी, तो यहाँ पे भी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी डिओक्सी, ओके चलो ठीक, एक सेकेंड अभी बताते हैं दोबारा। देखो इसको मैं डायग्राम से बता देता हूँ, जैसे ये है हार्ट, ठीक है, ये है लंग्स, अब यहां पे हार्ट, ये है अपनी बॉडी, आर्टरी है, आर्टरी जा रही है हार्ट से अवे, तो ये आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करेंगी, ऑक्सीजनेटेड यानी O2, बट हार्ट ही पंप करता है पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड को, यही हार्ट पंप करेगा उस ब्लड को कहां पे, लंग्स में, ठीक है, बट लंग्स में जो ब्लड जा रहा है, दो चीजें हैं ध्यान रखनी है, वो जो ब्लड जा रहा है वो आपका ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जा रहा है, तो ये जो ब्लड जाएगा वो जाएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये यहाँ पे हमारा, यहां से लंग्स में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो यहां से लंग्स से ब्लड आएगा आपका हार्ट में, हार्ट से फिर जाएगा पूरी बॉडी, तो ये यहाँ पे आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन आर्टरी के और वेन के नाम होते हैं, ये होती है पल्मोनरी, पल्मो मीन्स लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे आपकी होती है पल्मोनरी वेन। वैसे तो मोस्ट ऑफ द वेन्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, बट पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है टुवार्ड्स द हार्ट। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बट पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाती है, तो यहाँ पे अपना कौन सा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ध्यान रखना है कि आर्टरीज में सारियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है एक्सेप्ट पल्मोनरी, ठीक है, ये गुड इवनिंग सैमसंग A7, आपका ही कल मैसेज आया हुआ था, आप पूछ रहे थे शायद कि बायोलॉजी की क्लासेस, ठीक है, आप थोड़ा लेट हो गए हैं, 8:30 पे क्लासेस स्टार्ट रहेंगी, ठीक है, देखो ये इतना ही है बस, ठीक है, राइट साइड वाले में हार्ट है, हार्ट के राइट साइड में बाइकस्पिड वॉल होता है, ट्राइकस्पिड, तीन कस्प होते हैं, ठीक है, तीन तीन हैंडल्स होते हैं, तीन कस्प, और जो दूसरी साइड होता है वहां पे होते हैं बाइकस्प यानी दो, ठीक है, बस इतना ही। फिर अपना यहाँ पे जैसे आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड, एक्सेप्ट कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी जो मैंने एक्सप्लेन कर, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज जो अपने क्या होते हैं, देखो हार्ट है रेगुलर बेसिस पे पंप करता रहता है, यहाँ पे भी जो आर्टरीज हार्ट को सप्लाई करती हैं, ठीक है, वहीं से निकल के हार्ट में ही चली जाती हैं और वो हार्ट को खून सप्लाई करती हैं, उसी की वजह से वो पंप कर पाता है, देखो हार्ट खून से मतलब खून ही है सब जगह, ठीक है, पर खून होने के बावजूद भी उसको खून लेने के लिए आपकी ब्लड वेसल्स की सप्लाई चाहिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे एक टर्म आ रही है कोर्स ऑफ सर्कुलेशन में, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि कोई भी ब्लड हार्ट से दो बार होके गुजरता है, पहली बार तो वो ब्लड से आया, बॉडी से आया हार्ट के अंदर, हार्ट के इस चैम्बर से इस चैम्बर में आया, फिर ये गया लंग्स में, लंग्स में प्योरीफाई होके इस चैम्बर में आया, ठीक है, राइट वाले लेफ्ट वाले, ठीक है, फिर यहां से अपना ब्लड यहां आया, फिर दोबारा से बॉडी में गया, देखो बॉडी में यहां से आने के बाद से लेके जाने तक हार्ट से ब्लड दो बार निकल के गया है, एक बार इस चैम्बर से लंग्स में पंप करके, लंग्स से फिर दोबारा से इस चैम्बर, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, डबल सर्कुलेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा,
और यही जो हार्ट अपना बार बार रेगुलरली पंप करता रहता है, लब डब या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। और ये किसकी वजह से होती है, एस ए नोड। यहाँ पे दो नोड हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, एस ए नोड, साइनो एट्रियल, एट्रियम, ठीक है, एट्रियम जो हमारे ऊपर वाले हैं यहाँ पे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं साइनो एट्रियम, ठीक है। कोई नहीं, कंफ्यूजिंग है तो केशवी थोड़ा सा इसको दोबारा से आप एक बार देख लेना, ठीक है। बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि भाई डबल सर्कुलेशन, टू टाइम सर्कुलेशन हो रहा है हमारे हार्ट से ब्लड का। बॉडी से आया इस सेक्शन में, इससे गया यहाँ पे नीचे, नीचे से गया लंग्स में, लंग्स से फिर प्योरीफाई होके आया इस सेक्शन में, फिर आया यहाँ पे, फिर दोबारा से गया बॉडी। बॉडी से आने से लेके बॉडी तक जाने तक, दोबारा पहुंचने तक हार्ट से 2 बार ब्लड निकलता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। एस ए नोड, पेस मेकर बोलते हैं हम एस ए नोड को। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि व्हाट इज द पेस मेकर, तो हमारा एस ए नोड, साइनो एट्रियल। और एक होता है ए वी, एट्रियो वेंट्रिकुलर, जो हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बिल्कुल बीच यहाँ पे होता है एवी नोड, ऊपर एस ए नोड। एस ए नोड और एवी नोड को कनेक्टेड रखते हैं, यहाँ से आपके इम्पल्सिस चलते हैं, छोटे छोटे इम्पल्सिस, सोडियम पोटेशियम आयन का मूवमेंट होता है, इम्पल्सिस चलते हैं, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है रेगुलरली, और उसी की वजह से हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एयर बबल, एयर एम्बोलिज्म इसको बोलते हैं। एयर बबल, अगर कोई बड़ा एयर बबल हमारे हार्ट में, ठीक है, या फिर ब्लड वेसल्स में मान लो आ गया किसी वजह से, और वो आपके हार्ट में किसी वेसल में जाके फंस गया, हवा का एक छोटा सा बबुला, ठीक है, तो वो भी आपको मार सकता है, ठीक है। अगर आपने इंजेक्शन मान ले रहे हैं, ढंग से इंजेक्शन नहीं ले रहे, लगाना नहीं आता, तो हो सकता है एयर बबल इंजेक्शन से चला जाए और उसकी वजह से भी डेथ होने की संभावना कई बार हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपका ब्लड को ऑब्स्ट्रक्ट करके आपको मतलब खत्म कर सकता है, ठीक है। देन ब्लड के बाद अपना है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कुछ नहीं होता, सेल्स जो है, सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है इंटरसेलुलर स्पेस, उसमें एक फ्लूइड होता है आपका, उसको अपन बोलते हैं लिम्फ। बेसिकली यहाँ पे होते हैं लिम्फोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज, ये फाइट करने में ही हेल्प करता है, दैट्स ठीक है। डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करेगा, वुंड हीलिंग में हेल्प करेगा, दो मेजर फंक्शन यही है। और लिम्फ नोड्स, देखो जब भी कोई डिजीज होती है उस एरिया की, मान लेते हैं कि मेरे अगर गले में कोई डिजीज है, तो गले के आसपास यहाँ जितने भी लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, वो आपके बड़े हो जाते हैं। आपको टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स टॉन्सिल्स आपके गले में होते हैं नीचे, वो कुछ नहीं होते, लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। तो वो टॉन्सिल्स भी आपके बड़े हो जाते हैं और वो क्या काम करते हैं, आपको फाइट में काम करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बस ये अपना लिम्फ हो गया, लिम्फ का काम क्या हो गया, वंड्स, वंड्स की हीलिंग, डिजीज, और ये ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम विल स्टार्ट टुमारो 1 जून, वैसे आगे तक का मैंने काफी प्रिपेयर किया हुआ था, बट स्टिल लेट इट बी। एक्सक्रीटरी सिस्टम आज के अपना 1 घंटा हो गया है, दिस इज मोर देन सफिशियंट, विल वाइंड इट अप। विकास आप पूछ रहे हैं कि एयर बबल का आईवी में ही, हाँ मोस्टली आईवी में ही ध्यान रखना होता है, आईएम में अगर एयर बबल जलाएगा बहुत पेनफुल रहेगा, ठीक है, पेन बहुत ज्यादा रहेगा, वो डिजोल्व हो जाती है वैसे, बट ठीक है, ठीक है। कोई नहीं, आज कई दिन बाद अपन ने किया था, थोड़ा सा स्लो चलेगा, बाकी दोबारा से अपन इसको रिदम में ले आएंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी वी आर वाइंडिंग इट अप एंड सी यू टूमोरो एट द सेम टाइम 8:30, एंड टिल देन स्टे विद, स्टे हेल्दी, गुड बाय एंड जय हिंद।